मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त हमारा स्पेशल सेगमेंट किस्सा कहानी देख रहे हैं। बात होगी हॉकी के जादूगर की, मेजर ध्यानचंद की। हॉकी की जब भी बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का आता है। हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल ध्यानचंद के नाम है, लेकिन एक खिलाड़ी और भी था जो शायद ध्यानचंद जितना मशहूर ना हुआ, लेकिन खुद ध्यानचंद उन्हें अपने से भी बड़ा खिलाड़ी मानते थे। आज ध्यानचंद की जयंती है, आज हॉकी के जादूगर की जयंती है, लेकिन हम उनकी जानिब से उनके हीरो की बात आप तक पहुंचाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रूप सिंह की, जिन्हें भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के भाई के रूप में जाना जाता है। शायद इसी वजह से लोगों ने उन्हें भुला दिया और हॉकी के जादूगर की उपाधि निर्विरोध ध्यानचंद को दी गई। इसमें कोई शक शुबा है भी नहीं, ध्यानचंद का भाई होना रूप सिंह की किस्मत में लिखा था, लेकिन यही किस्मत उनके लिए एक हद तक बदकिस्मती भी साबित हुई। जीवित रहते हुए और मरने के बाद भी रूप सिंह को सिर्फ ध्यानचंद के भाई के नाम से ही जाना गया। हॉकी के शानदार लेफ्ट हैंड खिलाड़ी रूप सिंह 8 सितंबर 1908 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमेश्वर सिंह के घर जन्मे थे। रूप सिंह की स्टिक से निकले गोलों ने भारत को दो बार सन 1932 और 1936 में ओलंपिक का स्वर्ण मुकुट पहनाया। 1932 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। ब्रिटिश झंडे तले भारत की टीम दूसरी बार मेडल झटकने के लिए इरादे से ओलंपिक में उतर रही थी। ओलंपिक में ध्यानचंद को पहली बार टीम की कमान सौंपी गई, वहीं छोटे भाई रूप सिंह को पहली बार ओलंपिक टीम में शामिल किया गया। 1975 में विश्व विजेता हॉकी टीम के सदस्य और ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने बीबीसी को दिए साक्षात्कार में ये कहा था, रूप सिंह ने लॉस एंजलिस में ओलंपिक टीम में चुने जाने पर भी वहां जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे। मेरे बाबूजी ने उन्हें अपने पैसों से कपड़े खरीद कर दिए, उनका एक सूट सिलवाया, तब जाकर वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए। पहले ही ओलंपिक में रूप ने बड़े भाई को पछाड़ा। लॉस एंजलिस ओलंपिक में 4 अगस्त को पहले मैच में भारत ने जापान को एक तरफा मुकाबले में 11-1 के अंतर से हराया। इस मैच में 4 गोल ध्यानचंद ने किए जबकि 3 गोल रूप सिंह की स्टिक से निकले। दूसरा मैच मेजबान 8 अगस्त को अमेरिका से था। भारत ने इस मैच में अमेरिका को उसी के दर्शकों के सामने 24-1 के बड़े अंतर से धोया। धोना हमने इसलिए बोला था कि आपको यह रूपक और ज्यादा अच्छा लगे। इस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए, लेकिन पहली बार ध्यानचंद को गोल ठोकने में, यानी ये भी एक रूपक है, अपने भाई रूप सिंह से यहां मात मिली क्योंकि रूप ने 10 गोल ठोके। अपने ही ओलंपिक में 13 गोल करने वाले रूप सिंह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे और भारत दूसरी बार हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुआ। 1932 के ओलंपिक में भारत ने कुल 35 गोल मारे और महज 2 गोल खाए। लॉस एंजलिस ओलंपिक को 4 साल बीत चुके थे। इन 4 में भारत ने 37 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जिसमें 34 भारत ने जीते, 2 ड्रा हुए और 2 रद्द भी हुए। इतने मैच खेलकर रूप सिंह के हाथों में बिजली जैसी तेजी आ गई थी। जैसे जैसे बर्लिन ओलंपिक नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उनके खेल में धार बढ़ती ही जा रही थी। उनके शॉट इतने तेज होते थे कि कई बार डर होता था कि उससे कोई घायल ना हो जाए। 1936 बर्लिन ओलंपिक से पहले जर्मनी के अखबारों में भारतीय हॉकी के किस्से छपने लगे थे और ध्यानचंद और रूप सिंह का खेल देखने के लिए पूरा जर्मनी बेताब हुआ जा रहा था। ध्यानचंद की कप्तानी में हॉकी टीम ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के लिए रवाना हुई। बर्लिन ओलंपिक का आयोजन, जो उसकी तैयारियाँ थी, जर्मनी ने बड़ी धूमधाम से की थी। ओलंपिक शुरू होने से 13 दिन पहले 17 जुलाई 1936 को जर्मनी के साथ भारत को प्रैक्टिस मैच खेलना था।
इस मैच में भारत ने जर्मनी को 4-1 के अंतर से हराया। इसके बाद भारत ने सबक लेते हुए ओलंपिक के लीग के पहले मैच में हंगरी को 4-0, फिर अमेरिका को 7-0 और जापान को 9-0 से सेमीफाइनल में फ्रांस को भी 10-0 से हराया और बिना गोल खाए हर किसी को हरा कर फाइनल में पहुंचा। देश की आज़ादी को अभी 11 साल बाकी थे, लेकिन इत्तफाकन फाइनल का दिन भी 15 अगस्त का ही था। 1936 बर्लिन ओलंपिक हॉकी के फाइनल में भारत का सामना जर्मनी से नहीं बल्कि हिटलर से होना था। वो हिटलर जिसने पूरी दुनिया के दिलों में अपनी तानाशाही से खौफ पैदा कर दिया था, लेकिन एक मामूली दर्जे के भारतीय सिपाही के आगे दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को घुटने टेकने थे। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचा खच भरा हुआ था। आखिर खुद हिटलर आज अपनी टीम की हौसला अफजाई करने आए थे। मुकाबले से ठीक पहले भारतीय हॉकी टीम के कोच पंकज गुप्ता ड्रेसिंग रूम में आए। वो अपने हाथ में भारत का झंडा लिए हुए थे। उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की और एक स्वर में सब ने मिलकर वंदे मातरम गाया। हिटलर के खुद इस मैच में आने से आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैच जर्मनी के लिए कितना मायने रखता था। हिटलर की मंजूरी मिलने के बाद रेफरी ने टॉस कर एक सीटी बजाई और फिर खेल शुरू हुआ। पहले हाफ में जर्मनी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और भारत को सिर्फ 1-0 से बढ़त लेने दी। ये पहला गोल भी मेजर ध्यानचंद की स्टिक से नहीं बल्कि रूप सिंह की स्टिक से निकला था। दूसरे हाफ में भारतीय कप्तान ध्यानचंद और रूप सिंह ने असली खेल दिखाने के लिए अपने जूते उतार फेंके और नंगे पांव जर्मनी की धरती पर उसी की टीम से लोहाने लगे। रूप सिंह के एक गोल के कारवां को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम ने लगातार 7 गोल दागे और मैच खत्म होने तक स्कोर को 8-1 कर दिया। जर्मनी की टीम हार चुकी थी, लेकिन मैदान में मौजूद एडॉल्फ हिटलर की आंखें भारत के खिलाड़ी ग्वालियर के कप्तान रूप सिंह पर ठहर गई। रूप के खेल से प्रभावित हिटलर ने उसी समय जर्मनी के म्यूनिक शहर में एक सड़क का नाम रूप सिंह मार्ग रखने की घोषणा की। इससे पहले संभवतः आपको ये जानकारी नहीं थी, लेकिन आज आपको एक साथ 2 गौरव हासिल करने का मौका मिल रहा है। एक आज जयंती है किनकी? मेजर ध्यानचंद की, और दूसरे रूप सिंह को आप इस कहानी में एक हीरो होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो ये दर्जा रखते थे। लंदन में 2012 में हुए ओलंपिक में भी ध्यानचंद और लेस्ली क्लाडियस के साथ साथ रूप सिंह के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी रखा गया। मेजर ध्यानचंद एक बार अपने भाई रूप सिंह के बारे में ये कह गए, मैं रूप के आसपास भी नहीं फटकता। आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि कैप्टन रूप सिंह सिर्फ हॉकी नहीं बल्कि क्रिकेट और लॉन टेनिस के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। 1946 में उन्होंने ग्वालियर स्टेट की तरफ से दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच भी खेला। देश के खेलनहार बेशक कैप्टन रूप सिंह को भूल चुके हों, जर्मनी के म्यूनिक शहर में कैप्टन रूप सिंह मार्ग इस विलक्षण हॉकी खिलाड़ी की आज भी याद दिलाता है। कैप्टन रूप सिंह दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम ग्वालियर में फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट का मैदान है। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में ही सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक बनाया था। उसी दिन दुनिया ने उन्हें क्रिकेट के भगवान का दर्जा दिया था। हॉकी में ध्यान और रूप बेजोड़ थे। ध्यान दिमाग तो रूप सिंह दिल से हॉकी खेलते थे। एक कोक के इन 2 सपूतों ने हॉकी में बेशक देश को अपना सर्वस्व दिया हो, पर ओलंपिक के हीरो रूप सिंह को कुछ भी नहीं मिला। ये थोड़ा सा दर्दनाक है। गुर्बत में जीते आखिर रूप सिंह ने 16 दिसंबर 1977 को आंखें मूंद ली। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर गुजारिश ये है कि खेल प्रेमी अपने देश के तमाम हीरो को हीरोज को याद रखें, उन्हें कभी भुलाएं नहीं। शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।